शिवानी को तो पहले से ही एहसास हो चुका है कि लवकेश के लिए कोई आने वाला है वीकेंड के बारे में। वेल, शिवानी काफ़ी ज़्यादा दिमागदार है और इससे पहले उन्होंने विशाल के लिए बोला था कि विशाल की मम्मी आएंगी और पिछले वीकेंड के बारे में विशाल की मम्मी आ भी गई थी। अब यहाँ पर शिवानी बता रही होती है कि मतलब मेरे लिए कोई नहीं आएगा, सना मकबूल से बता रही होती है कि मेरी मम्मी तो बिल्कुल नहीं आएगी। मतलब वो बोलेगी क्या 10,000 रुपये का टिकट मैं खर्च करूँगी, शिवानी वैसे ही कुछ दिन में आ जाएगी तो मेरे घर से कोई भी देख लेना नहीं आएगा। फिर यहाँ पर जो है ना बातचीत चल रही होती है और इतनी देर में शिवानी कह देती है कि भैया के घर से देख लेना कल कोई आने वाला है। यहाँ पर लवकेश सामने ही बैठे होते हैं, वो लवकेश की बात कर रही होती है कि भैया के घर से देख लेना कोई ना कोई आने वाला है। जिसके बाद सना मकबूल कहती है तुमको कैसे पता, और यहाँ पर लवकेश भी कहते हैं तुमको कैसे पता। फिर यहाँ पर जो है ना शिवानी कहती है पिछली बार क्या बोला था कि भैया विशाल भैया के घर से आएंगी, उनकी मम्मी आएंगी, देखो आई थी कि नहीं आई थी। अब कि हमको ऐसा लग रहा है कि लवकेश के भैया के घर से कोई ना कोई आने वाला है, तो बिल्कुल सही अंदाजा लगा रही है शिवानी, क्योंकि इस वीकेंड के वार में एल्विश यादव आने वाले हैं जो कि काफी अच्छे दोस्त हैं लवकेश कटारिया के, साथ ही फैजो भी आने वाले हैं। तो पहले से ही शिवानी को एक जो अंदेशा होता है ना वो लग जाता है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही प्रिडिक्ट कर लेती है कि कौन आने वाला है। बाहर वालों को तो पता है कि कल के वीकेंड के बारे में ये दोनों गेस्ट होने वाले हैं, लेकिन शिवानी को भी पता चल जाता है, एग्जैक्ट पता चल जाता है कि इस कंटेस्टेंट का कोई आने वाला है। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। फिलहाल क्या कहना है आपका कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।